दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं नहीं, दरवाजा मैं रिपेयर करूंगा। थोड़ी भाई ने मुझे कहा है दरवाजा रिपेयर करके मुझे फोटो खींच के बताना। हम भी बहुत दूर से आए हैं तो इसलिए दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। अरे एक मिनट, आप दोनों मत कीजिए, मैं रिपेयर कर लूंगा। नहीं नहीं, आप दोनों ही रिपेयर कीजिए। अरे दोनों कशाला कितनी पैसे दे रहा है। सुन दे, लेकिन आप रिपेयर नहीं करेंगे बस। अरे बहन जी, इनकी इतनी इच्छा है तो करने दीजिए ना इनको दरवाजा रिपेयर। चलो तीनों मिलके करते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों ही रिपेयर करेंगे। आइए आइए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप टोकिए मत उनको। ये फ्रेम तो गई काम से, इसकी एक्सपायरी डेट भी बीत चुकी है। ये दरवाजा भी खराब हो गया, दरवाजा भी बदलवा ही लो। अरे क्या बदलवा दीजिए, सब अच्छा ही है भाई, एक साल चलेगा और आप रिपेयर कीजिए। नहीं चलेगी, शर्त लगा लो। अरे क्या शर्त लगाओ, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी, आप रिपेयर कीजिए ना भाई। ठीक है साहब। चेक कर लेते जरा। अरे वो दरवाजा जाम होता है कभी कभी, तो जरा रंधा मारना पड़ेगा वो, क्योंकि बारिश में जाम हो जाता है ना तो दरवाजा। हाँ अलाइनमेंट देख। बड़े भाई एकदम बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह। अरे हाँ, ये लीजिए सर, बैठ लीजिए। आप आराम से भेजिए। लग गया दरवाजा, लग गया। हाँ लग गया दरवाजा, अब जाम भी नहीं होगा और कम से कम एक महीने तक तो कुछ नहीं होगा। हाँ वाह अच्छा, थैंक यू। भिड़े भाई थोड़ा एक मिनट प्लीज। हाँ एक सेल उधर आऊँ। हाँ अच्छा सब। एक सेल्फी थोड़ा साइड में, थोड़ा दरवाजा भी दिखने दीजिए। स्माइल। अब वो सोडी को दिखाने के लिए ना। बिल्कुल हाँ, वाट लच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कितने पैसे हुए? नहीं नहीं बड़े भाई, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो सोडी भाई मुझे मारेंगे। अरे अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता, मैं चलता हूँ। चलो ओके ओके, अगर आपसे पैसे नहीं लिए तो मुकेश भाई हम ही मारेंगे। हाँ दे ही रहा था, कितने हुए? 300 रुपए। 300 रुपए? ओ बरोबर है, द्या ना। हाँ ये लीजिए। थैंक यू भाई साहब। आगे कोई भी काम हो ना तो मुकेश भाई को बोलिएगा, कल्लू को ही भेजे। हाँ हाँ आप ही को बोलेंगे, और क्या। आज के भारी दिन का एक भारी नुकसान, 300 रुपया। आपके भारी दिन की वजह से दरवाजा हल्का हुआ, उसका क्या? ऐसे मतलब ठीक हुआ, उसका क्या? सब्जी ले लो सब्जी। अली वट तो सुनीता चला। सुनिए सुनिए सुनिए, भाभी कोमल भाभी बबीता जी और अंजलि भाभी, चलिए सब लोग। कहाँ? अरे कोमल भाभी के घर के पास। मेरे घर के पास क्यों? चलिए आप ये सब अपना ये पैकेट पहले यहाँ पर रख दीजिए, रख दीजिए ना। क्या है बताओ तो सही। बहुत दाल पूछने, चलिए ना रख दीजिए। एक मिनट बताइए तो सही, आप क्या कर रही हैं? बताती हूँ। जरूर भाभी के मन में कोई मस्ती चल रही है। ए सुनीता, पक्का ये तेरा जो ठेला है ना वो वहाँ तक लेकर जाना। क्यों भाभी, आज सब्जी नहीं लेनी है? सब ताजी है। अरे हाँ हाँ सब्जी अच्छी है, हम लोग लेंगे, पर तुझे ये ठेला वहाँ तक लेकर जाना। अभी बताइए ना प्लीज। वो तेज ना, क्या चल रहा है मन में? सुनिए सुनिए, हम लोग यहाँ से लेके छेक वहाँ तक, मतलब वो सब्जी के ठेले तक रेस लगाते हैं, और जो भी ठेले तक पहले पहुँचेगा वो रेस जीत जाएगा। अयो मस्त गम्मते करते करते हैं।
एक्सक्यूज मी दया भाभी, मैं तो हार जाऊंगी, मुझे इस रेस में हिस्सा नहीं लेना। कोमल भाभी, जीवन में हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार होती है। हाँ कोमल भाभी, प्लीज आप कोशिश तो कीजिए। कोमल भाभी और कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। कोमल भाभी सोच बदलो, दुनिया यूं बदलेगी। एक बात कहूँ कोमल भाभी, अगर हौसला बुलंद हो तो हिमालय भी चढ़ना छोटा लगता है, पर अगर हौसला कमजोर हो ना तो एक छोटा सा पेड़ चढ़ना भी नामुमकिन लगता है। इसलिए हमेशा अपना हौसला बुलंद रखिए। कोमल भाभी हौसला बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए। कोमल भाभी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हौसला बुलंद है। मैं इस रेस में हिस्सा लूंगी, ना इस रेस में, ना हौसले में, और ना मेरी कोशिश में मैं पीछे रहूंगी। वाओ दैट्स ग्रेट। दया भाभी एक मिनट, देखिए रेस होती है तो इनाम भी होता है, बराबर? तो इस रेस जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, सोचा है कुछ? बोलो। देखिए, जो भी ये रेस जीतेगा उनको गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से आज के दिन की सब्जी फ्री में मिलेगी। आइडिया है अभी, मस्त। सुनिए सुनिए, स्पर्धा का एक नियम है, जो सबसे पहले वहाँ पहुँच के टमाटर उठाएगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। और कोई सब्जी नहीं, सिर्फ टमाटर, 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 टमाटर। यस दया भाभी, ऑल सेट। जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, उसी तरह मेरी आंखें उस टमाटर पर ही है। क्या बात, क्या बात है। चलिए तो रेस शुरू करते हैं। मुझे जिताने के लिए रुक गए ना सब लोग? नमस्ते चाचा जी। बाबूजी, मैं सब्जी लेकर अभी आ जाऊं। भाभी फिर भी आप पॉजिटिव रही, इस वजह से आप जीत गई। यस, देखिए कोमल भाभी, जीत तो जीत होती है, पर आपको सिर्फ मछली की आंख, मतलब आपको सिर्फ टमाटर दिखा, इसलिए आप जीत गए। सुनीता, कोमल भाभी की आज की सब्जी हम गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से, ओके? अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, नियम नियम होते हैं बस। यस हां कोमल भाभी, और आप जीते हैं तो आपको इनाम मिलेगा ही। थैंक यू महिला मंडल। चलो चलो जल्दी।
भाभी जो भी सब्जी लेनी है जल्दी ले लो। क्या है ना, मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अरे हाँ सुनीता, तुम्हारे भाई की तो सगाई होने वाली है। नहीं नहीं ना, वो लड़की के डिमांड के कारण मंगनी अटक गई। अब जब तक पैसे नहीं होंगे मंगनी नहीं होगी। लड़की की डिमांड? आप लोगों में लड़की दहेज लेती है? नहीं नहीं भाभी, हमारे समाज में तो बरसों से दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। वेरी गुड। तो पैसे की क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की ने शर्त रखी है कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनवाओगे मंगनी नहीं होगी। ओह सुनीता, लड़की की ये डिमांड तो बिल्कुल सही है। मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। घर में शौचालय तो होना ही चाहिए सुनीता। हाँ, और खुले में शौच करेंगे तो लेडीज को कितनी दिक्कत होती है। और बिचारी लेडीज को कितना संकोच और कितनी शर्म आती होगी ना। हाँ, और गंदगी और बीमारी भी तो फैलती है। एग्जैक्टली। इसीलिए सुनीता लड़की की मांग एकदम बरोबर है। हाँ सुनीता, हर घर में शौचालय होना ही चाहिए। यस, ये तो मैं भी समझती हूँ भाभी, लेकिन क्या है ना कि शौचालय बांधने के लिए 30,000 का खर्चा है। आज 3,000 जमा करने जा रही हूँ। गुड। अभी तक बहुत मुश्किल से सिर्फ 21,000 जमा हो पाया है। मतलब 9,000 कम पड़ रहे हैं। हाँ ना, अब 9,000 जमा होने के बाद ही मंगनी होगी। सुनीता तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये 9,000 की व्यवस्था हम गोकुलधाम महिला मंडल कर देंगे। गया भाभी नेकी और पूछ पूछ, हम सब आपके साथ है ना। सुनीता तू चिंता मत कर, बाकी के पैसे हम सब मिलके तुझे दे देंगे, ठीक है? थैंक यू। अरे थैंक यू सो, ये तो समाज सेवा का काम है, हमें भी अच्छा लगता है। और मेरे ये हमेशा कहते हैं कि समाज सेवा हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सही माधवी भाभी। एक मिनट ना सुनीता, ये ले तेरा 9,000 रुपए। अरे बबीता जी, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? तय भाभी कोई बात नहीं, हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे ना। हाँ, भले भले। थैंक यू, आप गोकुलधाम वाले हर बात पे नंबर वन है। थैंक यू। अरे सुनीता अभी थैंक यू छोड़, हमें जल्दी से सब्जी लेने दे। और सुनीता जल्दी से मुंह मीठा कर लेना। लेकिन कुछ भी कहो दया भाभी, आज रेस में बड़ा मजा आ गया। इस बाथरूम के लीकेज के प्रॉब्लम्स में इतनी परेशान हो गई थी ना, इस रेस से तो पूरा माइंड ही फ्रेश कर दिया। तो बबीता जी, मुझे खुद को अपने आप को भी थैंक यू कहना ही पड़ेगा। कोर्स, पर क्यों? क्योंकि आज सुबह से मैं इतनी परेशान हूँ ना, बात ही मत पूछो। हमारे घर के बाथरूम में इतना धीरे धीरे पानी आ रहा है ना, और उसकी वजह से कितना हंगामा हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, एकले तो जेठा भाई ने टेरिस पे जाके सबके वॉल बंद कर दिए थे। हाँ, और उतना ही नहीं, दूसरे प्रॉब्लम के बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ था भाभी? अरे हमारे घर के सोफे का पायर टूट गया। बोलो, पहले पानी का प्रॉब्लम और अब सोफे का प्रॉब्लम? अरे इतना ही नहीं, और भी प्रॉब्लम है। हमारा वो खाने का डाइनिंग टेबल है ना, वो बेचारा इतना कमजोर हो गया है ना, उसको थोड़ा सा हाथ लगाएंगे ना उसमें वो गरबा करने लगता है। अरे बाप रे। वैसे दया भाभी, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे प्रॉब्लम के सामने ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अब कोमल भाभी, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हो गई? वो हमारे घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, उसने हमसे गरबा, कत्थक, भांगड़ा सब करवा दिया। अया, ऐसा क्या हुआ? क्या मतलब? अरे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग पुरानी हो गई है ना, तो मिक्सर, वॉशिंग मशीन कुछ भी स्टार्ट करो तो शॉक लग जाता है। इसीलिए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सब ठीक करवा लिया। थैंक गॉड कोमल भाभी, आप तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच गए। पर मेरी प्रॉब्लम क्या बताऊं? तारक की पूरी किताबों में, शेल्फ में, कबर्ड में, हर जगह दीमक लग गई है, टर्माइट्स। अब इससे कैसे बचूं बताओ? ओह अंजलि भाभी, तो आपको घर में फटाफट सब काम कराना पड़ेगा। डोंट टेक अ चांस, नहीं तो फटाफट दीमक घर में फैल जाएगी। जल्दी काम करवाने की जरूरत तो हमारे घर में है। क्यों भिड़े बहन, आपके घर पर काम नहीं हुआ? माधवी भाभी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? एक तो फ्लोरिंग उखड़ रहा है और दूसरा दरवाजा इतना पुराना हो गया है ना कि बार बार निकल रहा है। सॉरी माधवी भाभी, मुझे रोशन ने बताया कि उसकी वजह से आपका दरवाजा टूट गया। अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोड़ी भाई की उसमें कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो बेचारे हमारे मदद कर रहे थे।
तो हमारा दरवाजा इतना पुराना हो गया ना, आज नहीं तो कल निकलना ही था, निकल गया। जैसे तैसे कारपेंटर से रिपेयर करवाया, कारपेंटर तो बोल रहा था फ्रेम और दरवाजा इतना पुराना हो गया कि जल्द से जल्द बदल डालो। ओहो, फिर तो दरवाजा बदलना ही पड़ेगा। सबके घर में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है। हाँ, पर मेरे घर के प्रॉब्लम के बारे में तो पूछो ही मत। ठीक है, नहीं पूछेंगे। अरे दया भाभी, नहीं पर मैंने क्या पूछना? बोल दीजिए। हमारे घर का सारा कलर बिगड़ गया है और हम लोग नाश्ता करने बैठे थे ना, तो ऊपर से प्लास्टर गिरा हमारे नाश्ते की प्लेट में। नहीं नहीं, थैंक गॉड नाश्ते के प्लेट में गिरा, किसी के सिर पे नहीं गिरा। हमारा गोकुल धाम ना सच में प्रॉब्लम धाम बन गया है। वैसे एक संयोग देखा, हम सब गोकुल धाम वासी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, तो सबके घर में प्रॉब्लम भी एक ही साथ आए। अरे बराबर, मुझे लगता है कि यही है हमारा सच्चा प्यार। तो चलो सबकी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। हाँ, हम सब अपने पति देव से कहते हैं कि घर में जल्दी से काम करवाए। आज हमें खादू पेट भरी ने वो स्वादिष्ट खावानू के मजा पड़ी गई रे लो। हा ला ला दया, मेरी किचन क्वीन। दया, आज तो खाना खाने का मजा आ गया, मतलब रोज की तरह आज भी मजा आ गया। अच्छा तो मजा गया ना, तो एक मिनट, क्या हुआ? क्या? अरे रोज चिड़िया की तरह चहकने वाली मेरी दया आज कुछ टेंशन में लग रही है। टेंशन है? क्या टेंशन है? मैं बैठ बैठ बैठ, क्या क्या टेंशन, क्या है? ये टूटे हुए सोफे का और बिगड़े हुए पानी के पाइप का। ओ अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छे अच्छे टमू के पापा, ये सब कब ठीक करवाएंगे? करवाएंगे दया, करवाएंगे। अरे करवाएंगे पर कब करेंगे टमू के पापा? आपको पता है सोसाइटी में सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेहता साहब के घर पर दीमक का, भीड़े भाई के घर पर दरवाजे का, हाथी भाई के घर पर लाइट का, और सोडी भाई के घर पर ब्लास्टर का। एक मिनट, तो क्या सबके घर का रिपेयरिंग मुझे करवाना है? नहीं नहीं, मतलब ये है कि सोसाइटी में सबके घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो सब मिलकर एक साथ काम करवाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। बात तो तेरी सही है, है ना? ठीक है, मैं काम करता हूँ। हाँ। अभी सोडा पीने जाऊंगा ना, तो सब जेंट्स लोगों से बात करता हूँ। हाँ। अरे तो बैठे क्या है, जाइए ना जल्दी सोडा पीने के लिए, जाइए 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 जाइए। काम हो जाएगा मित्र। सोडा शॉप जैसे कि बिल्कुल हमारा बचपन, जहाँ हम सारी दुनियादारी भूल के मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। और उस सोडा शॉप पे जेठालाल बात करने वाले हैं रेनोवेशन की। अब सोडा शॉप पे कोई विषय पे चर्चा करना, यानी कि मुद्दा कोई और हो और चर्चा किसी और विषय पे हो, और बिल्कुल जैसे टेलीविजन में आप रिमोट से चैनल बदलते हैं, ठीक वैसे चर्चा का विषय बदलता रहता है, मुद्दा चाहे कोई भी हो। ठीक वैसे ही जैसे जाते थे जापान और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका होते हुए पहुंच गए चीन। अब ये रेनोवेशन की चर्चा यहाँ पे कितने रास्तों से गुजरती है ये देखना होगा। यहाँ पे रेनोवेशन पे चर्चा हो पाती है या कोई नई राह पकड़ती है? रेनोवेशन होता है यहाँ पे बातचीत करके भूल जाते हैं, ये तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मित्रों आप नहीं भूले होंगे, आप नहीं भूले होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने अपनी भूमिका महती ढंग से निभाई। और हमने tmkocmyclean.com पे एक कंटेस्ट आयोजित किया, जिस कंटेस्ट में हमने चुने बहुत सारे स्वच्छता सेना। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस भारी मात्रा में इस कंटेस्ट में हिस्सा लेने। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी हैदराबाद के यश जैन। नमस्कार, मैं यश हूँ हैदराबाद से। मैंने और मेरी टीम ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया था। हम अक्सर दूसरे देशों की स्वच्छता की तारीफें सुनते रहते हैं, हमें मौका मिला है अपने देश को स्वच्छ बनाने का, और हम अपने भारत को स्वच्छ बना के रहेंगे, और आप भी यही कीजिए। युवा पीढ़ी का नया नारा होगा स्वच्छ भारत हमारा। बहुत बहुत बधाई हैदराबाद के यश जैन जी को हमारा स्वच्छता सेनानी बनने की। लेकिन यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी में बात हो रही थी रेनोवेशन की, देखता ये है कि यहाँ रेनोवेशन होता है या कोई हंगामेदार सिचुएशन या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन या सेलिब्रेशन।
ये सब आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए। अरे भाई, वक्त आने पर पगार अपना बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, पगार महंगाई थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगी। पगार महंगाई नहीं है, पगार अपने बच्चे जैसी है। बच्चा कैसे अपने आप बढ़ता है, वैसे पगार भी अपना बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, हमारा बच्चा तो बरसों से बाल मंदिर में ही है, आगे बढ़ा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप बच्चे के ऊपर बार बार टोक 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 करते हैं, इसलिए बच्चे को जरा खुला छोड़ दो, फिर देखो कैसी प्रगति करता है बच्चा।